फाइनली दोस्तों हम लोग चाय पी के जो है निकल आए हैं, और ये अपनी गाड़ी इधर खड़ी करके गए थे साइड में। अभी यहाँ से अभी निकलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा सफ़र अभी है थोड़ा। तो ये भाई लोग हम लोग चलते चलते आ गए हैं। तो दोस्तों मैं गोपाल यादव स्वागत करता हूँ गुरु आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं मुरैना से आगे और ग्वालियर के बीच में एक जगह पड़ता है पाम और उधर, और आलू जो लोड किया था पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देखा था, तो वही आलू लेके जा रहे हैं। और गुरु गर्मी और धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि काफ़ी ज़्यादा हालात जो ख़राब हो रहे हैं, और टायर वगैरह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। तो बहुत ही स्लोली स्लोली हम 45 की स्पीड में ही नॉर्मली चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गाड़ी को दौड़ा नहीं सकते, फिर टायर गर्म हो जाएंगे तो चलने नहीं देंगे। सो दोस्तों कंटिन्यू हमारी गाड़ी जो है 100 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। अभी हम जाएंगे कहीं गाड़ी रोकते हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं। तो आज के ब्लॉग में गुरु हम लोग आपको दिखाने वाले हैं पूरा ये मुरैना बामौर से होकर जो हम इंदौर जाते हैं वो रास्ता वगैरह सब कुछ। तो कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए, चलिए कहीं आगे रोकते हैं दोस्तों और चाय वगैरह पीते हैं। भाई लोग गाड़ी खड़ी करके अभी हम आएगा चाय दुकान में, अभी पीते हैं यहीं पर एक एक चाय, उसके बाद निकलेंगे फिर यहाँ से। और वो बैठे अपने चौधरी साहब, मैं ये इधर लेट गया हूँ। फाइनली दोस्तों हम लोग चाय पी के जो है निकल आए हैं, और ये अपनी गाड़ी इधर खड़ी करके गए थे साइड में। अभी यहाँ से भी निकलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा सफ़र अभी है थोड़ा, और सफ़र कट पाया नहीं है, थोड़ा सो गए थे रात को, इसलिए रुकने का चांस गुरु बहुत ही कम है। अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है टायर। गुरु वैसे तो मैं बहुत चाय कम पीता हूँ, लेकिन ये हमारे चौधरी साहब हैं, ये चाय पी लेते हैं ना तो इनको जान आ जाती है शरीर में, इस वजह से फिर चाय पीनी पड़ती है मेरे को भी। ठीक है दोस्तों चलते हैं, गाड़ी करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यही हमारे ठिकाने होते हैं, जगह जगह होटल वगैरह बने हुए होते हैं, कभी कोई दिक्कत होती है गाड़ी रोकने होती है, खाना पीना खाना होता है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। कितनी हार्ड गाड़ी है यार, और ये हमारे काफ़ी ड्राइवर भाई हैं, धूप का समय है तो छाया में अपना गाड़ी लगा लगा के आराम कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं हल्के धीरे, और देखते हैं काटते हैं थोड़ा सफ़र, फिर रुकेंगे खाने के लिए कहीं ढाबास वगैरह पे, खाना पीना खा के तुरंत ही फिर निकलना हो जाएगा। और अभी जिस रोड पे गुरु चल रहे हैं हम, वो है सीधा रोड जाता है जहाँ से डबरा, और यहाँ से हम सिपरी के लिए कट जाएंगे, और ग्वालियर बाईपास है ये। गुरु कुछ स्टेट मैंने ऐसे चाटे हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर गुजरात हो गया, जहाँ हाईवे पे निकल जाओ तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, और आप जिधर भी नज़र डालोगे उधर पूरी खेती खेत दिखाई देंगे, खाली पेड़ पौधे, मतलब इतना पब्लिक आपको नहीं नज़र आएगी, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे वातावरण में। और इस लाइन पर गुरु आपको हर जगह होटल मिल जाएंगे, हर 2-4-10-5 किलोमीटर पर होटल बड़े बड़े बहुत सारे। तो ठीक है गुरु देखते हैं अगला स्टॉपेज कहाँ पे होता है, फिर मिलते हैं आपसे और वहीं होती है आपसे मुलाकात। तो ये भाई लोग हम लोग चलते चलते आ गए हैं घाटी गांव, मतलब ग्वालियर पूरा कर दिया हमने पार, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है गुरु। रोड का बस एक ही कमी है, केवल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यहीं कहीं गुरु आके रुकेंगे अब होटल पे, खाना पीना खाएंगे थोड़ी बहुत देर, एक आध दो घंटा गाड़ी को भी ठंडा करेंगे, उसके बाद ही चलेंगे यहाँ से फिर। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी सफ़र हो गया और 2 बज गए पूरे, अभी हम लोग एक होटल पे खाना खाने के लिए रुके हैं, अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये साइड में होटल है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और गर्मी गुरु बहुत ही कड़ाके की जो है पड़ रही है। तो गुरु ये खड़ी अपनी गाड़ी इधर, चौधरी साहब देख रहे हैं टायर बार, बाकी ये बहुत सारी और भी गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई हैं, खाना पीने खाना गए हैं लोग उस्ताद। हम भी चलते हैं अभी अपने टायर वगैरह सब चेक करके, और सब ठीक है चौधरी साहब? ओके।
ठीक है दोस्तों, निकलते हैं होटल तरफ। और चना की दाल बोल रही है। सही है दाल है। चलो खा तो लो, आ जाए प्लेट दूसरी। तो ठीक है भाई, सारे दोस्तों खाना पीना खा के हम लोग आ गए गाड़ी के अंदर। गाड़ी भी हो गई स्टार्ट, अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। कंटिन्यू करना सफर गुरु, अभी दिन में भी करना है, फिर पूरी नाइट करना, तब जाके सुबह को अपन अनलोडिंग पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, गुरु गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गुरु खाना खाने के बाद जब से हम निकले हैं तब से अपना सफ़र जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर कहीं भी रुके नहीं हैं, चाय वाय पीने के लिए भी। और गर्मी थी तो इसलिए गाड़ी थोड़ी स्लोली चल रही है। और अब हो गया गुरु शाम का टाइम, तो अब रुकना ज़रूरी है क्योंकि शीशे वगैरह भी साफ करना है और गाड़ी में भी अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ करना है। बाकी चौधरी साहब थोड़ी देर के लिए भी सो गए थे तो सो के उठे हैं, इनको भी चाय वाय पिलानी है, तैयार करना है और फिर से अपना कंटिन्यू सफ़र जारी रखना है। तो हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे अपने अनलोडिंग पॉइंट पे। तो गुरु आज का अपना यही फिर छोटा सा ब्लॉग था। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को एक लाइक कर दें, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।